let's go. Assalamualaikum जी, welcome back to our new vlog. और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश वफरम होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और हमारा कैमरा मैन भी बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फिट फाइन एंड शाइन दिख रहा है. तो खैर चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तो गाइस सीन ऐसा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम तैयार होकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो ना आज दावत का एहतमाम है. खैर ये वो जगह नहीं जहाँ पर दावत का एहतमाम है, वहाँ पर हम अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद. लेकिन यहाँ पर जो ना हम आए हैं कुछ अरेंजमेंट करने हमारी फेवरेट फूफू के लिए, क्योंकि उनके जो ना अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाबी दें, आमीन. हमने ढेर सारे गिफ्ट्स लिए हुए जो कि गाड़ी में पड़े हुए, और अभी सिर्फ हम यहाँ पर क्या लेने आए, केक लेने आए. तो तेज बोलो यार, कैमरामैन बहुत दूर है, केक लेने आए. तो गाइस अभी सीन ऐसा है, नहीं नहीं अभी आ जाएगी आवाज, ये तेज बोलेगी, कैमरामैन नजदीक ना है, आप तेज बोलो, केक लेने आए. तो उसके ऊपर लिखवाएंगे क्या, एडवांस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. तो भाई बहुत बहुत खुशी हो रही है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ होते हुए ये अचीवमेंट हो जाए, और इंशाल्लाह हो भी जाएगी. तो चलें जी, अभी यहाँ पर ना एक छोटी सी बेकरी देखिए, किसी को पता नहीं कि हमने ये सरप्राइज रखा है. गिफ्ट का तो दिख गया, ऑब्वियसली हम सेम कार में हैं तो गिफ्ट का तो सबको पता है, और लेकिन ये नहीं पता क्या गिफ्ट लिए, और केक का सरप्राइज है. यहाँ पर एक बेकरी है, यहाँ पर केक्स अवेलेबल हैं. आप देखते हैं यहाँ पर केक के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ सॉन्ग भी चल रहा है कॉपीराइट लाने के लिए. बेकरी का रास्ता यही है, कहाँ है, यहाँ से मेरे ख्याल से, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ से केक शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जन से राउंड रहे. गाइस हमने रिक्वेस्ट किए कि सॉन्ग बंद की जाए, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे सॉन्ग बंद कर दिए ताकि कॉपी राइट ना आए. और इसके अलावा हमने जो है केक पे क्या लिखवाना है वो जो ना सोचते हुए विचार कर रहे हैं. मैं कहता हूँ हैप्पी 1 मिलियन. हाँ ठीक है, हैप्पी 1 मिलियन, हैप्पी 1 मिलियन. सितारा पप्पू हमारा कैमरामैन मुस्तफा, वैसे भी वो व्लॉग में आने वाला है आगे जाके. तो हैप्पी 1 मिलियन, हैप्पी 1 मिलियन इन एडवांस सितारा पप्पू. हाँ ठीक है, कैसे कहते हो, ठीक है. तो क्या कहते हो आप मोहतरमा, सही है, हैप्पी 1 मिलियन सितारा पप्पू. ओके सही है, डन कर दूँ. चलो भाई देखते, सबसे बड़ा केक कौन सा है, हैप्पी 1 के आगे स्पेस दीजिएगा, मतलब स्पेस देना, ठीक है, हैप्पी 1 मिलियन. राइटिंग समझ नहीं है तो पूछ लीजिए, हैप्पी 1 मिलियन. अच्छा हैप्पी 1 मिलियन लिखेंगे, उसके बाद जो है ना पहली जो है ना, आए 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 लिख ले, कोई बात नहीं. अच्छा दूसरा पेन ले रहे हैं, थैंक यू सो मच. स्पेलिंग अगर समझ जाए ना आपको, समझ आ रही है मुस्तफ़ा, हैप्पी 1 मिलियन सितारा पप्पू, ये लिखवाइएगा केक पे, ठीक है सितारा पप्पू. अच्छा कौन सा चॉकलेट पिक करेंगे, उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो ना इन्वेंशन करेगा, कौन से कलर का होगा, वाइट ही होगा, बड़ा VIP सा बना के आइएगा, सही है, पेमेंट बाई कार्ड होगी ना जी. केक ऑर्डर कर दिए और वो जो है ना अभी मेंशन करवा के आ रहे हैं, और मिलते हैं गाइस आपसे कुछ ही देर बाद. मैंने अभी देखा है यहाँ पर जो है ना इंडोर डाइनिंग भी है, और आई थिंक केक हमारा यहीं पर ही है. ये हमारा केक है जी, जी आप. अच्छा केक दिखाना था सिर्फ, आप मुझे सिर्फ इसका चेहरा दिखा दें. माशाल्लाह हैप्पी 1 मिलियन सितारा पप्पू, बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच यार. चलें जी केक रेडी हो गया, तो अभी ये पिक करते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि सब वहाँ पहुंचे हुए हैं, सिर्फ मैं और फातिमा यहाँ वेट कर रहे हैं. अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर साजिद भाई भी आ गए. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. हम मिल तो ऐसे रहे लगते हैं हम एक साथ आए नहीं हैं. तो खैर कैसे हम एक साथ आए थे, लेकिन हमें कुछ लेना था तो इसलिए रुक गए थे. सामान निकालें गाड़ी से बाद में निकालते, अभी गए हुए हैं देखने के लिए ना. अच्छा विजिट करने गए हैं, विजिट करने की जगह गए तो काफ़ी ज़्यादा रश था. अच्छा हाँ भाई, अच्छा भी नहीं लग रहा था वहाँ पर, सही. तो अभी इस इधर गए हुए हैं. चलें भाई यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पर अंदर जो ना विजिट करने गए हैं, देखने गए माहौल कैसा है, उसके बाद जाएँगे फाइनल करके. अस्सलाम वालेकुम अम्मा. वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक, आप कैसी हैं, ठीक हूँ अल्लाह की रहमत, ठीक है. सर्दी कैसी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी बिल्कुल ठीक लग रही है. उधर -8 था, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ -8 था, लेकिन हम सही जगह हैं, यहाँ पर जो ना नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है. चलें चलो आ जाओ, तैयबा आ जाओ. गाइस अभी हम केक लेके आ गए हैं, और अभी हम निकालने लगे गाड़ी से गिफ्ट जो हम लेके आए. सर्दी इतना है कि वो कार भी बोल भी नहीं सकते. नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके सामने नहीं बोल सकता. गिफ्ट के अंदर गिफ्ट,
गिफ्ट, ये सारे गिफ्ट जो ना हम निकाल चुके हैं और अभी चलते हैं अंदर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो लोकेशन फाइनल हो गई है और वो भी जाके दिखाते हैं आप सबको। चले भाई तो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस बहुत ही प्यारी जगह है, व्यू आपको बाद में दिखाएंगे, फिलहाल जो ना जगह घेर लेते हैं कि बैठना कहाँ है। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। हाँ कुछ तो कह रहे हो। कुछ नहीं। हाँ स्मार्ट बॉय रोज देखते हैं ऑफ कैमरा, लेकिन आज ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। अंदर बैठेंगे, ये भी दो तीन होटल ढूंढ ढूंढ के ना अब ये वाला फाइनल हुआ है। आउटडोर काफी सर्दी थी तो अंदर की तरफ टेबल मिल गए और यहाँ पर सब बैठ गए। अच्छा गा रहे ना, बजा भी अच्छा रहे, गा भी अच्छा रहे ना, मजा आ रहा है सुनने में। मुस्तफा कोई सॉन्ग अगर तुमने रिक्वेस्ट करनी है तो जाके बोल सकते हो और वो गाएगा। नहीं। साजिद भाई ये आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट करनी है उनसे, ये आप खुद ही गा सकते हैं। बात ना करेंगे, बात ना करेंगे। आत्मा आप मेरे लिए गाओगी ना जाके? मुझे वो गिटार बजेगा, आप मेरे लिए गाना गाओ ना। मुझे गाना नहीं आता। थोड़ा बहुत कुछ गुनगुना देना। आत्मा से कह रहा हूँ मैं, आप मेरे लिए जाके एक सॉन्ग गाओ ना। ली गाती है आप गा लो। गारंटी कह रही है मैं गा लूँ, अगर मैंने गाया ना यहाँ पर सबको पेनाडोल की जरूरत पड़ेगी। टैलेंट है, टैलेंट वो ऊपर आएगा। चले पहले खाना खा ले, वरना खाना जो ना आप लोग नहीं खाएंगे। तो गाइस खाने से पहले जो है ना होटल सॉस सूप मंगवाया है साजना, ये फिश क्रैकर्स ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। मुस्तफ़ा की किस्मत इतनी ख़राब थी कि इसके लोडेड फ्राइज पहले आ गए और ये पहले ही जा रहे हैं। वैसे बड़े मज़े के मुस्तफ़ा, मेन कोर्स भी आ गया है और इतना सब कुछ आ गया है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बटर चिकन है, इसके अलावा ये चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा ये मटन कढ़ाई है, ये टिक्का है, इसके अलावा वो चावल मंदी टाइप है और चावल और उसके ऊपर जो ना चिकन टिक्का रखे हुए। और मुस्तफ़ा के लोडेड फ्राइज तो पहले ही मैं दिखा चुका हूँ, और इसका जो है नान है और यहाँ पर भी चिकन टिक्का है भाई। तो ये सारा मेन्यू, इतना सारा मेन्यू जो है ना, अब ये देखते हैं कैसे ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होगा, इतना सब कुछ है। खाने के बाद जो ना जलेबी भी थी और यहाँ पर जो ना दूध जलेबी भी जो ना आई है, तो ये बहुत जो ना मज़ेदार लग रही है। कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छी है। जलेबी खाई थी इससे पहले जो आई थी वो कैसी थी? उससे ज़्यादा अच्छी है। उससे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा भाई दूध जलेबी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है अल्लाह हाफिज़। चले बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ना दूल्हा और दुल्हन की तरफ से फूफो खाला और साजिद भाई इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ग्रैंड दावत का भी शुक्रिया, और साथ साथ शादी में जो ग्रैंड इवेंट्स कराए ना उस सब का भी शुक्रिया आप सबका। और मैंने सोचा था इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पर ना सबको मतलब थैंक्स करेंगे और साथ ही साथ में इनके लिए छोटे तोहफे लिए वो भी इनको देंगे। तो अभी रेस्टोरेंट क्लोज होने वाले आए थे तो जल्दी से कर दें। अच्छा तो इस वजह से इतना टाइम लगा कर आए। हाँ आज जो ना
काफ़ी ज़्यादा हमारी वजह से लेट हुए आज यहाँ पर। वैसे हमने कहीं और जाना था लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम काफ़ी लेट किया हमने गिफ्ट्स की वजह से, तो यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन बहुत ज़बरदस्त सेटअप करवाया, बहुत ज़बरदस्त दावत थी, शादी सक्सेसफुल जो हुई है ना, मतलब कि जितने भी इवेंट्स हुए और जो शादी में जितने भी दुश्वारियाँ थी और मतलब इन सब में इस सब को मतलब किरदार जो रहेंगे ना सब सक्सेसफुल करने में किरदार जो थे वो खाला साजिद भाई और किताब भाई थे। तो एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, गलत बन की तरफ से, और हमारी तरफ से थोड़े से तोहफे वो आपकी एक्सेप्ट कीजिए। चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी आ गए तो। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमारी तरफ से गिफ्ट एक बार फिर बच्चों से लेने, बच्चों से लेने मेरा दिल तो नहीं करता, हमको देने का दिल करता है। आपने बच्चों के लिए वैसे बहुत कुछ किया है, तो ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। आपकी जोड़ी सलामत रहे हमारी शाम सुबह शाम यही दुआ, अल्लाह आपको खुश रखे, आप खुश होंगे तो हमारा दिल बहुत खुश होगा। थैंक यू सो मच। दूल्हा दुल्हन की तरफ से साजिद रहे, आप भी हमें जैसे दुआएं देते हैं। जीते रहो, सदा जीते रहो। ये मेरे भी मामू हैं, मैं वेटिंग लिस्ट में। तो सबसे मेन रोल जो है ना वो पप्पू का है, तो इनको मैंने आपने रखा है, इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है, तो अभी फिलहाल जो है ना गिफ्ट देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ना हमें बाहर निकाल, हमें जो ना बाहर निकालने की थोड़ी देर अगर हम नहीं गए तो खुद से। जैसे मैंने इन्होंने मुझे गिफ्ट की बात एक दफ़ा की थी, मैंने इनको मना किया था कि मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। भाई बहुत मुश्किलों से गिफ्ट लिया जा रहे हैं इनको, जो ना बड़ी मुश्किलों से मुझे पकड़ा है आज दावत पे, वरना ये मुझसे नहीं लेंगी। क्योंकि दावत मैंने की और मैंने इनको देना था, तो ये मेरे लिए लेकर आ गए। आप और कितना देंगी? नहीं गाइस, इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने डे वन से रिश्ता जब तय हुआ था उसके बाद बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे, बहुत सारे मसले भी हुए थे, कंट्रोवर्सीज भी थी, तो सबको मतलब संभालने में दवन मैन, दवन वुमेन कहें, दवन अमेन आर्मी सुना होगा ना, तो वन मैन आर्मी जो थी सितारा बारी थी, इनका बहुत बड़ा रोल है शादी को सक्सेसफुल बनाने में, और ये सारे इवेंट जो सक्सेसफुल हुए सिर्फ इनकी वजह से पॉसिबल था। मैं कोई भी बात जो है ना ऐसा नहीं करती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर कोई बात करनी है मैं करके छोड़ूंगी इस काम को, और मैंने फातिमा के लिए सोचा था कि अगर हम इसका रिश्ता किए कुछ भी हो जाए, जो भी रुकावटें कुछ भी हो रहा है, मैंने अगर ये कर दिया रिश्ता तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मतलब ये मैंने सोच लिया था मैं पीछे नहीं हटूंगी अगर रिश्ता किए तो शादी से करके छोड़ूंगी। तो उनके साथ जो उनके पिलर्स थे ना वो थे खाला और वो साजिद भाई, इनके फिलहाल जो साथ में थी, हस्बैंड साथ में थे, बाकी आप सबका प्यार भी साथ में था। शादी से पहले इन्होंने ट्रैवल किया था डेट फिक्स के लिए, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम नहीं बता सकते। जब मैं स्पेशली यहाँ से गई थी डेट फिक्स के लिए, वो बीच में बच्चों के वीकेंड का आया था सीन, तो वो भी जब हमारी वजह से गई थी, वरना जो है ना उनका जाना था नहीं, तो हमारी वजह से डेट फिक्स करने की थी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी अगर मैं कहूँगा ना तो सुबह हो जाएगी, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, मैं कब से वेट में थी। अच्छा अभी जो ना तोहफा कब मिलेगा? अभी जो ना नहीं मैं लेती नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता लेना, मैं देती हूँ लेकिन लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों का दिल किया है तो उसका दिल नहीं तोड़ना। अभी बच्चों का दिल किया है मुझे देने के लिए फातिमा का वकार का, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब लूंगी। से भी दुआएं लेने, सबसे पहले जीते रहो खुश रहो दोनों, तो और फातिमा को हमेशा खुश रखना। और कैमरा मैन को कैसे भूल सकते हैं, हमारे से ज़्यादा कैमरा मैन चलो भैया आ जाओ आप, हमारे जो है ना मुस्तफ़ा शहजादे को कैसे भूल सकते हैं, तो मुस्तफ़ा के लिए भी ये छोटा सा गिफ्ट है। वेलकम। लास्ट में गाइस जैसे कि मैंने 6 शादियों को तो वहीं पर दे दिए थे उनके इनाम, मेरी 2 शादी रह गई, मेरी 8 साल है, वो दो कौन है? तैबा आयत तो बनाया तैबा आयत मिसाली है, तैबा और आयत वो भी मेरी साली हैं, और उनके लिए जो है उनका ही नाम। चलो मैं निकाल, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़्यादा खर्च कर दिए
बहुत बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। देखो सबके अलग अलग गिफ्ट लेकर आए हैं और बच्चों के भी, आप भी दे दो। आपका असर हो रहा है ना, जितना आपका दिल उसको सिखा दिया आपने, और वैसे भी ना आपके ना वो असर आ रही है, हमारा भी दिल खुला होगी। दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो भाई। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्रैंड पार्टी के लिए, ग्रैंड रावट के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आया। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरा इस्लामाबाद घुमाने के लिए। जी अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं और वेट करें लिफ्ट का, और ये सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट लोकेटेड है और इसका नाम है कोयला ग्रिल एंड कैफे। काफ़ी अच्छा खाना था, सर्विस थी, बहुत मज़ा आया। तो गाइस एक चीज़ बताना भूल गया, वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, तो एक चीज़ है ना आज मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मैं जो ना अपने टीचर के सामने आके ना मतलब के कंफ्यूज हो जाता हूँ और पास भूल जाता हूँ, ऐसा क्यों पता नहीं। मतलब मैं इनके सामने, मतलब अपनी टीचर ही है, मेरे बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, तो इनके सामने जब भी आता हूँ ना तो मतलब के वर्ड्स भूल जाता हूँ और जो ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ये चीज़ है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है। हाश में आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी 1 मिलियन इन एडवांस। ये केक आपके लिए लाए थे और ये जो है यहाँ, शुक्रिया आपका। ये टाइम शॉर्ट था, ये कट नहीं कर सके क्योंकि गाइस रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है, तो वो हमें बाहर फेंक देते हैं, तो हमने यहाँ पर कट नहीं किया, तो ये घर जाके कट कर लेगा। ठीक है जी जी। ऑल वी नी वकार और फातिमा दोनों का थैंक यू कि मेरा अभी वो एडवांस में 1 मिलियन अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए पहले से केक लाए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो तो होगा होगा, लेकिन आप एडवांस में लेकर आए ना उसकी ज्यादा खुशी है। जी बिल्कुल गाइस, अभी यहाँ पर जो ना ये राइड लेने और इसको कहते हैं मोशन राइड, और आया तो देखो पहले ही जो ना रेडी होकर बैठ गई। आप भी बैठेंगी ना? नहीं अच्छा बहादुर लोग बैठे, आप भी बहादुर हैं इतनी। गाइस अभी जो है ना हम यहाँ पर ले लेंगे मोशन राइड, ये कभी लिए पहले? नहीं ली। यहाँ मुस्तफ़ा बैठे है, यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ आयत ऑलरेडी बैठे हुए, यहाँ मम्मा बैठेंगे आयत की, आगे आगे जो ना फातिमा और तैया बैठी हुई। गाइस हम बैठ तो रहे लेकिन खाना बिल्कुल अभी खाए, ऐसा नहीं खाना निकल जाए। अरे आंटी कह रहे लग पता जाएगा, मतलब अभी से डरा रही हैं आप हमें। ग्लासेस भी वेयर करने? चलो भाई अभी से डर लग रहा है मुझे, ये ग्लासेस भी जो ना वेयर करवा रहे हैं। ओ भाई डोर्स क्लोज कर दिए, चेक करें हॉरर बढ़ गए, एडवेंचर। ये देखें बच्चों को, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है इसको देखो, ये भी हॉरर हॉरर कर रही है। अरे क्या चला, ज़्यादा वोट जा रहे हॉरर की तरफ। एडवेंचर हॉरर, एक बताओ हॉरर या एडवेंचर? बस हॉरर भाई, हॉरर 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 हॉरर। अच्छा ये देखिए एक चीज नोट की है, यहाँ पर बच्चे जो है ना हॉरर कह रहे, बड़े कह रहे एडवेंचर, बच्चे डर ही नहीं रहे। हॉरर आगे बैठे हुए थे, इनको डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं डर। और तुम्हें? मैं आगे बैठ डर लगा आपको? डर लगा? नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं। और फातिमा को? तो जी बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। चलो भाई मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ, बाय बाय कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो, वो देखो वो भी आपको बाय बाय। बाय बाय, व्लॉग एंड करो, आपके साथ ही चल रहा हूँ।